आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पैगंबर निगम का संस्थान का एकीकरण करो। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आप यहां पे देख सकते हैं कि आज उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ यहां पे सचिवालय कूच कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी सरकार से मांगे। आप लोग सचिवालय कूच कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी सरकार से मांगे? सरकार, हमारी जो समस्या है, हमारी ये मांग है कि हमारी जो समस्या है डिप्लोमा इंजीनियर की, उनको सरकार दूर करे, जो हमारे निर्णित बिंदु है उनका शासनादेश लाए और हमारी समस्या को दूर करे। हमारे लगातार चरणबद्ध आंदोलन चल रहे हैं। आज उस चरण द्वितीय चरण के आंदोलन के अंतिम दिवस में हम लोग आज रैली कर रहे हैं और आज हमारे द्वारा इस सरकार के सामने हड़ताल की घोषणा की जाएगी। मेरे उत्तराखंड शासन से ये अनुरोध रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप हमारी समस्याओं का निराकरण करें, वरना आगे हमें हड़ताल जैसे कार्यक्रम उठाने का भी बात होना पड़ेगा। हमने हर अपनी मांगों के निराकरण के लिए उत्तराखंड शासन की सरकार से, मंत्री से तथा उत्तराखंड से बार बार अनुरोध किया है कि हमारे सरकार की समस्या का निराकरण करें। नाम रावत है, शाखा काशीपुर से हूँ, अपर सहायक अभियंता जनपद उधम सिंह नगर से। हमारी सरकार से मांगे हैं, पहले जो हमारा एसी लगता था 10 साल ड्यूटी पूरी करने के उपरांत, वो हमें अभी तक एसी लगा नहीं है। और जो हमारी पुरानी पेंशन मुद्दा है, जो हमारा बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बट अभी तक सरकार द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बाकी हमारी जो डिप्लोमा इंजीनियर में पढ़ते हैं और जो हमारी नियमावली है, सेवा नियमावली, हमें पालन करने के लिए कि शासन एक रूप में पालन करें और हमें जल्दी जल्दी न्याय दिलाए। इससे पहले हमारा धरना प्रदर्शन हुआ है और अभी हमारा पिछले एक हफ्ते से 4 दिवसीय धरना भी चल रहा था, जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी अनशन पे बैठे हुए थे। उसके बाद आज हम बाहर रैली के लिए आए। सरकार से पहले भी पूर्व में इसके बारे में वार्ता की जा चुकी है, पर शासन द्वारा आश्वासन देने के बाद भी जो हमारे विधि निषेध है उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। आगे फिर हम कार्य बहिष्कार करके आंदोलन पे ही जाएंगे।